हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोड़ीदार। आज हम पापा के बर्थडे का व्लॉग बनाने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, सो गाइस लेट्स रीसेंटर। सो गाइस लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you by God is. Papa ka music laga hai. Damn, I'm done. I'm out of here. Family mein ka baki DP's wali churai hui hai, wo photos hai. Nahi, aapne itna wo kar diya na ki isko hataya nahi kar sakta. वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जोड़ीदार के अंदर एक वीडियो बनाने वाले हैं। अरे कैसे दिखती है, इसमें हमें दिख ही नहीं रहा। देखो पापा, आज आपका जो बर्थडे, आप बर्थडे बॉय, आप ऐसे दिखते हो। ओह थैंक यू। बड़े अंकल आप ऐसे दिखते हो। मामा आप ऐसे दिखती हो। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मैं कैसी दिखती हूँ? एक काम, आप ऐसे दिखते हो। थैंक यू सो मच। अब है कह रही थी गर्ल्स की बीच की बात है, आपको नहीं आना है क्या? गर्ल्स की बीच की बात है। अब मैं मुझसे कहता हूँ ड्रामा क्वीन हो ना, ओवर एक्टिंग करती हूँ। When mama went to Pune, my father became mama. Yeah. Good. Nana became my father and papa became my जो डेकोरेशन जो की है, इसको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है। जो तीनों गर्ल्स नहीं सर, हम किसी के साथ भी नहीं है। मुझे ना मैम का इतना पता है कि अगर मैम है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बच्चों के लिए कभी भी नहीं होती। बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी एक्सीलेंट। और तानिया मैम को स्पेशल थैंक यू कि ना मैम सर डायरेक्टली कभी भी हम लोगों का कन्वर्सेशन नहीं हुआ, लेकिन वो तब भी आपके साथ बच्चों का जो
रखती है ध्यान में हर चीज में। मैम सब लोग यही बोलते हैं कि कुछ पिछले जन्म क्या कुछ है, हाँ वही चीज क्या बोलते हैं, लगते हैं कि दो जने हैं पर दो जनों जैसा कुछ है नहीं। हाँ मतलब हम आपको ही पता है, हम कभी भी कुछ प्लान नहीं करते हैं कि तुम ये करना ये हम ये करेंगे। हमारा ये होता है कि बस चल दिए, अब हमें करते हुए चलना है। तो हमारा कुछ भी ऐसा होता है हम करते हुए चलते हैं, हम ये नहीं। हाँ बहुत अच्छा है। हम सच बताए हमारी पर्सनली कुछ बात होती ही नहीं है, हमारी सिर्फ ये अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये है, हम चेक 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 चेक, मतलब एक लिस्ट है वो हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। हमारी पर्सनल ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है कि तुम कैसी हो, हम कैसे हैं, या कहीं घूमने चल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। काफी टाइम से बहुत सारा समय ऐसा हो गया है कि हम साथ में बैठे ही नहीं ये पूछने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या चल रहा है, बस ये कि चले जा रहे हैं साथ में, चले जा रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई क्या बोलते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी होता है, वो फ्रूटी के साथ है हमारा, वो शुरू से ही है। अच्छा लगता है कि हमारी किसी भी चीज में बस हमें लगता है कि फ्रूटी होनी चाहिए, फिर अगर फ्रूटी बड़ी हो जाए तो बात अलग है कि वो मैम को भूल जाए, है ना फ्रूटी? नहीं फ्रूटी आपके साथ हमेशा रहेगी। उसके लिए 4000 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट आपके होंगे, करते चले जाओ, ये नहीं बोर नहीं होना है, नहीं होना है कि एक चीज की छोड़ दे। हर चीज का ना, हर चीज का वही है, हर चीज का रीजन ही है, तरीका वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज में, मतलब आप रिजल्ट मत देखो। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ये नहीं देखना कि अब कितना हो गया कितना बचा, बार बार चेक करते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अगर उससे पहले आप लोग बार बार चेक करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। सर के लिए सर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे करें जैसे अब तक करते आए हैं, और सबसे बड़ी चीज मैम और साथ मिलकर करें। जैसे आप सब ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसका एक सिंपल भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो क्या दिखाना चाह रही है फोटो। फोटो हम यही चाहते हैं कि जैसे आज हमने ये फोटोज लगाई हैं, हमें हर साल ये मौका मिले लंबे जब तक हम हमारी लाइफ चीज है जो मैं क्या बोलते हैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मतलब मुझे ये था, तब तक मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे होप नहीं थी सच में, क्योंकि जब एक चीज आपकी डैमेज हो जाती है तो आप ये सोचते हो कि वो दोबारा से कैसे ठीक हो पाएगी। जब सर और मैम हमारे घर आए थे, ऐसे होगा कैसे नहीं होगा, सीटी आएंगे, सर ने बोला तो क्या हो गया। तो वो बेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का कि क्या होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके स्टिचेस आए तो मतलब उस चीज से क्या फर्क पड़ता है, आप जो हो वो खुद से हो। मतलब दोनों ने मिलकर मुझे इतने अच्छे से समझाया कि फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अब तुम्हारे पास दो बड़े हैं हमेशा है और क्या होते हैं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन था, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं आने दिया हॉस्पिटल। ऑपरेशन टाइम में सिर्फ तानिया थी और मेरा छोटा भाई था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का दुख देखते तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़ा होश आने लगा तब, आंख बंदी थी, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तब तक, तो मुझे मैम की आवाज आई। मैं इतनी खुश थी, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि, क्योंकि मुझे पता था मैम पुणे में है। मैम उन्होंने मुझे टच किया तो वो मैंने फील किया, सर की आवाज आई आप ठीक है, सिर्फ मुझे फ्रूटी दिखाई दे रही थी और आप बोल भी फ्रूटी रहे थे। अपने नहीं मिलते होंगे जब कोई ऑपरेशन थिएटर में होता हो, कि सब डॉक्टर्स होते होंगे, स्टाफ होता होगा, मुझे नहीं लगता हर किसी को वो चीज मिलती है जो मुझे मिली। दर्द था, पेन जो भी था, एक्सरसाइजी, उस टच के बाद, वो उन दोनों की प्रेजेंस के बाद सब खत्म हो गया था। तब सबने मेरा इतना ध्यान रखा कि सर बताइए मुझे किसी की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा एनवायरमेंट बना दिया, मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं अपने घर पे हूँ। फ्रैक्चर हुआ था, बहुत अच्छे के लिए हुआ था, कि उसको मैंने इतना अच्छा तो सीखा है, तो अनमोल रतन मिले जो हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं, और सच में जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, सच में जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ये मैं मान चुकी हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद, आप दोनों का सारा, आप दोनों का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। हमने जो अपनी लाइफ का जो पार्ट हमने शायद बाहर घूमने में, इधर उधर जाने में नहीं दिया, वो हमने बहुत सही जगह एक्सपेंड किया है, जिसकी वजह से हमें वो चीजें सीखने की मिली है जो मुझे लगता है हमारी एज के बच्चे 30s की और 40s की एज में जाके सीखेंगे, तो हमने 20s में सीख लिया। ऐसे बना रहे और बहुत अच्छा जा रहे। क्या कर रहे हैं?
बहुत कुछ भरा हुआ था और शायद ही आपसे भी एक महीने पहले से भरा हुआ था जो चीज मैं अब तक देखती भी आई। रोज थोड़ा थोड़ा निकलता था ना मेरे साथ में। ऑलरेडी सेड। हां बोलो। मेबी आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। इफ वी आर लाइक एबल टू डेवलप सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज इन व्हिच दोस टैलेंट्स कैन ग्रो एंड एक्सपेंड टू देयर मैक्सिमम। तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। Thank you, ma'am.